तो जी हाँ, वापिस आ गए हैं फिर से। और आपको आज मजे की खबर, जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। उसकी सेंचुरी होने के बाद एक शोर शराबा मच गया, यानी कि मीडिया पे तो तूफान सा ही बरपा हो गया। और साथ ही उस मैच में एक और अहम बात हुई, और वो बात थी सरफराज अहमद के डायलॉग, जिनकी वजह से लोग हमेशा से मशहूर हैं। नॉर्मली वो ऐसे वाले डायलॉग नहीं मारते जो अब मारे हैं, शायद में एंटर होने के ना होने का अफसोस मना रहे हैं, और किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि वो टीम में एंटर हो जाएं। जैसे कि आप जानते हैं, सरफराज अहमद वो वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो टीम में आ सकते हैं। उन्होंने किसी और प्लेयर की तरह गालियां नहीं दी, बैठ के कोई बातें नहीं की, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस देते रहे कि वो टीम में आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये पाकिस्तान है, उन्हें फिर भी टीम में नहीं लाया गया। तब उन्होंने क्या किया, तो फाइनली वो भी उसी आदत पे आ गए हैं कि थोड़ा भुला भला कहा जाए। तो मैच की कहानी कुछ जो है कि बाबर आजम 13वें ओवर में बैटिंग पे आ गए। सरफराज अहमद जो स्टंप के नीचे एरर की पर मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि इन्हें 40 ओवर खिलाओ, दूसरे एंड के बैट्समैनों को आउट करो, क्योंकि उनके मुताबिक अगर बाबर आजम टिका भी रहे तो कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो स्लो खेलते हैं। याद रखें, ये बात उनकी दुरुस्त साबित हुई है। बिल्कुल मैच के दौरान अगर देखा जाए तो बाबर आजम सेंचुरी कोई इतनी शानदार सेंचुरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 100 बारों पर 100 ही मारे हैं, तकरीबन के बारे में 100 के स्ट्राइक रेट पर खेले हैं। बिल्कुल बहुत खतरनाक किस्म की बैटिंग नहीं कर गए, जो कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा फर्क उठा रहे थे। हाँ, अपने डाउन में, मतलब कि अपने बुरे वक्त में ऐसी बैटिंग करना वाकई ही काबिल तारीफ है। लेकिन सरफराज अहमद का अंदाजा यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त था। वो इस लिहाज से कि बाबर आजम कोई खास स्ट्राइक रेट से लेकर नहीं गए, बस 100 का नॉर्मल स्ट्राइक रेट लेकर गए हैं। तो याद रखिए कि जब पूरी टीम खेल गई है बारी, तो 278-270 से ज्यादा स्कोर नहीं था, तो यहाँ तक उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन याद रखें, गरूर का सर नीचा, तो जैसा कि सरफराज अहमद कह रहे थे कि दूसरी साइड से आउट करते रहे, तो ऐसा नहीं हो सका, और दूसरी साइड से विकेट भी ना गिरी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक प्लानिंग अच्छी की। लेकिन जब अपनी बैटिंग की बारी आई तो फ्लॉप बैटिंग लाइन, यानी शायद ये दिखाया जाना था उन्हें कि इतना ज़्यादा भी हवाओं में होंगे। तो 97 पर उनकी सारी टीम आउट हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि बाबर आजम की टोटल 100 भी ना बना सकी पूरी सरफराज की टीम। तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस साल मैं सोचता हूँ कि एक जगह पर सरफराज अहमद अपनी जगह दुरुस्त की है, और दूसरी जगह पर अपनी परफॉर्मेंस या जो बात की, तो प्रूव ना करने की जब आप प्रूव नहीं करते तो लोग आपको बुरा भला लाजमी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।